गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर टोटली फिट एंड फाइन एट योर होम। सो गाइस, टुडे आई एम अगेन कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। माय टॉपिक इज मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, डू यू नो व्हाट इज द मंथ्स? मंथ्स मीन होता है महीने। ऑफ द ईयर यानी कि साल में जो कितने महीने होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो द गाइस, इन द प्रीवियस वीडियो आई वाज टॉट डेज ऑफ द वीक, बट टुडे आई विल डिस्कस विद यू मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मंथ्स मीन महीना और ईयर मीन साल। साल में कितने महीने होते हैं और उसके बारे में आपको बताएंगे। सो हैव यू सीन अ पिक्चर? मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, सो कौन कौन से मंथ्स होते हैं ईयर में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो अगर इनको हम काउंट करते हैं तो ये हमारे 12 मंथ्स आते हैं। ओके, तो वन ईयर में हमारे 12 मंथ्स आते हैं। जैसे हम डेज ऑफ द वीक पढ़े थे कि वीक में हमारे 7 डेज आते हैं, वैसे ही 12 मंथ्स आते हैं वन ईयर में। ओके, सो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? ये क्वेश्चन आपको है जो कि आपको इसका आंसर देना है। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, तो आपने क्या आंसर दिया था? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। वैसे ही अगर आपका ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो आपको क्या बोलना है? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, नेम देम। जब आपसे नाम पूछा जाएगा तब आप बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, सो हम अब डीपली वन बाई वन पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी, JANUARY, जनवरी। ओके, आफ्टर दैट फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। ओके, आफ्टर दैट फरवरी के बाद मार्च, MARCH, मार्च। ओके, मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल, APRIL, अप्रैल। ओके, आफ्टर दैट अप्रैल के बाद मई, MAY, मई। ओके, MAY, मई। मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून, JUNE, जून। ओके, JUNE, जून। आफ्टर दैट जुलाई, JULY, जुलाई। ओके, JULY, जुलाई। जुलाई के बाद कौन सा आता है? अगस्त। ओके, AUGUST, अगस्त। AUGUST, अगस्त। आफ्टर दैट सेप्टेम्बर, SEPTEMBER, सेप्टेम्बर। आफ्टर दैट अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। ओके, आफ्टर दैट नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। ओके, आफ्टर दैट लास्ट मंथ दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। ओके, तो इस तरह से आपने 12 मंथ्स पढ़े। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन सारे मंथ्स को। ओके, सो माय फर्स्ट मंथ इज जनवरी। ओके, जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी। ओके, तो जनवरी, फरवरी, आफ्टर दैट मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, आफ्टर दैट अप्रैल,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। आफ्टर दैट जून। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आफ्टर दैट जुलाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आफ्टर दैट अगस्त। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। आफ्टर दैट सितंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आफ्टर दैट अक्टूबर। ओके, और अक्टूबर के बाद नवंबर, एंड नवंबर के बाद यस दिसंबर। तो ये हमारे मंथ्स हुए। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। नेम देम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, तो ये आपको 12 मंथ्स लर्न करने हैं सीक्वेंस से। ओके, इनको आपको अपने पेरेंट्स के हेल्प से ये सारे मंथ्स नेम को आपको लर्न करना है, और विद स्पेलिंग आपको लर्न करना है। ओके, जैसे आपने डेज नेम लर्न किए, वैसे ही आपको मंथ्स नेम भी लर्न करना है। तो ये आप वीडियो ओपन करिएगा, इसमें आपको बराबर दिया गया है जिसको आपको लर्न करना है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, सो आई एम गिविंग होमवर्क, लर्न ऑल स्पेलिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, और इसको सीक्वेंस से आपको लर्न करना है, और आपको ये क्वेश्चंस भी लर्न करना है जो मैंने आपको बताया, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, इसका आपको आंसर भी लर्न करना है, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके, और उसके बाद आपको सीक्वेंस से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इस सीक्वेंस में आपको ये मंथ्स नेम भी लर्न करने हैं। सो टिल देन वी मीट नेक्स्ट वीडियो।